सोनीपत लोकसभा सीट पर भाजपा नेताओं के भीतरघात से जुड़ी एक और ऑडियो सामने आई है जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल इस ऑडियो की पुष्टि तो कलम की ताकत नहीं करता, लेकिन वायरल हो रही इस ऑडियो में भी गन्नौर से भाजपा विधायक निर्मल चौधरी के पति सुरेंद्र चौधरी अपने समर्थक धर्मेंद्र राठी से फोन पर बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र चौधरी खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी को वोट दिलाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी सुरेंद्र चौधरी की ऑडियो वायरल हो चुकी है, उसमें भी सुरेंद्र चौधरी हुड्डा से डील तय होने की बात करते हुए कांग्रेस को समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी ऑडियो में भी एमएलए निर्मल चौधरी के पति सुरेंद्र चौधरी अपने समर्थक से कह रहे हैं कि अगर गन्नौर हलके से 15,000 वोटों की लीड कांग्रेस प्रत्याशी को मिल जाएगी तो उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा। कौन बोल रहे हो आप? धर्मेंद्र राठी बोल रहे हो? अच्छा, ये नंबर दूसरा आपका। सुरेंद्र चौधरी बोल रहे हूँ, कॉलोनी पेट है। कहाँ से जी? अरे निर्मल चौधरी का हस्बैंड। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ हो आप? मैं यही हूँ जी, गन्नौर में। गन्नौर में कहाँ, प्रोग्राम में हो किसी में? नहीं जी, मैं अपने ऑफिस में हूँ। अच्छा, ऑफिस किस चीज का कर रखे? कमेटी रोड पे जी, मेरी दुकान है, नीचे ऊपर बैठेगा आप। अच्छा, किस चीज की कर रखी है? नीचे किराए पे दे रखी जी, बिजली की दुकान है। अच्छा अच्छा, दुकान किराए पे दे रखी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस गांव का क्या माहौल है? गांव का जी, गांव के माहौल तो कांग्रेस से ज्यादा हमारे गांव में तो फिलहाल तो। और चमार वाल्मीकि है कुछ घर? हाँ हाँ है जी। कितने घर है? तुम्हारा ये घर जी है 20 घर। कोई ना, फिर ठीक है, ऐसा हमारी बात होगी। हाँ जी, कौन दे? कर्मचारी ने जिता दो सारे के। अच्छा जी, और चमारा में कह दे बीजेपी थारा आरक्षण तोड़ेगी, तुमने बात सुनी है कि थर दौरे को फोन आया कि सब में कह दे। आप यही आ रहे हो कोठी का, मतलब बाहर हो? कोठी पे हूँ, बेचक आ जाए। ठीक है जी, मैं आऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है जी। सारे हल्के बोल चुके हैं, एक शर्त पे है, मैं 15 से ऊपर ही आ रहे हैं ना। हाँ जी, तो टिकट हमारी आ जाएगी आगे कांग्रेस की। अच्छा जी, पर यो हार रहा 15 से 25,000 के, उसमें हमने सारा सर्वे कर लिया पूरे हल्के का। ठीक है जी, और सारा अपना रिपोर्टर जो है मोड़ दिया पड़े है जी, सारा रिपोर्टर कांग्रेस में मोड़ दिया है। ठीक है जी, ठीक है, सब पे मैसेज हो चुके हैं। ठीक है जी, ठीक ठीक है, आईओ बेसक। ठीक है जी। दरअसल भाजपा विधायक ही नहीं बल्कि पूर्व सांसद रमेश कौशिक पर भी भीतरघात के आरोप लग रहे हैं और इन चर्चाओं को लेकर भाजपा में खलबली मची हुई है। सोनीपत लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने खुद भाजपा नेताओं के भीतरघात की बात को माना है और इन सभी नेताओं की लिस्ट बनाकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास पहुंचा दी है। लेकिन अभी तक तो हाईकमान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा हाईकमान भीतरघातियों पर सख्त एक्शन ले सकता है।